दिल्ली करंट अफेयर्स 28 जुलाई 2020 सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई सीआरपीएफ स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद को रोकने के लिए पुलिस अभियानों में सहायता करने में निहित है। भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की? उत्तर कोरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता करने की घोषणा की है। यह सहायता तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया DPRK में चलाए जा रहे एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत की ओर से मुहैया कराई जाएगी। हाल ही में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने पहनने योग्य गैजेट मिनी बैंड विकसित किया? कोझिकोड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड ने पहनने योग्य गैजेट मिनी बैंड विकसित किया है। यह बैंड सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया है। किस राज्य में मैकडमिसाइजेशन कार्यक्रम शुरू होने वाला है? जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए एक मैकडमिसाइजेशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश की 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकडमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। किसको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति पूर्व सांसद और राज्यपाल लालजी टंडन के हाल ही में हुए निधन के कारण की गई है। भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण कर रहा है। हरियाणा। हरियाणा के सोहना के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत सुरंग का निर्माण कर रहा है। सुरंग हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है? रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सॉन कॉर्पोरेशन को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बन गई है। $1.76 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ अरामको दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? जॉर्डन हेंडरसन। जॉर्डन हेंडरसन को वर्ष 2020 का FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। 30 वर्षीय हेंडरसन ने इस सीजन में अब तक 30 लिवरपूल की लीग मैच खेले हैं और 4 गोल किए हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 से अधिक रेलवे डीजल इंजन दिए हैं? बांग्लादेश। भारत ने रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल। दुनिया में अवैध बाघ उत्पादों के आपूर्तिकर्ता में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? भारत। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के अनुसार भारत और थाईलैंड दो मुख्य देश हैं जो दुनिया में अवैध बाघ उत्पादों के आपूर्तिकर्ता हैं। बाघों का सबसे मूल्यवान शरीर का हिस्सा उनकी हड्डियां हैं जो उनके शरीर के सबसे अधिक मांग वाले हिस्से हैं। भारत एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? वियतनाम। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की फाइबर फसल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। कीने अब तक 12.1 मिलियन गांठ कपास की खरीद की है।